السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتحت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه وفي روايه فتحت له ابواب الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم। आज के इस मुबारक जलसा के सभापति साहब, मंच पर उपस्थित हजरात उलमाए किराम, नौजुबक साथियों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बहुत मुबारक और बरकत वाला प्रोग्राम है। पूरी दुनिया में सबसे सच्ची जो किताब है और जिस किताब में कोई शक शुबा और संदेह नहीं है, वो अल्लाह का कलाम, जिसको हम और आप कुरान कहते हैं। और कुरान के बाद इस संसार में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सच्ची किताब और सबसे ज्यादा सही किताब वो बुखारी शरीफ है। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाही तआला। उस बुखारी शरीफ को आज आपके इस दीनी इदारे में 30 जन उलमाए किराम ने, नबी के वारिस में, शुरू से लेकर अखीर तक पढ़ा है। पूरी बुखारी के अंदर प्राय 9000 से ज्यादा अहादीस है, रिवायत है। इतनी मर्तबा कम से कम इन उलमाए किराम ने अपनी मुबारक जबान से और मुख से दुरूद शरीफ भी पढ़ा। बुखारी शरीफ के अंदर कुछ दुआएं ऐसी हैं जिन दुआओं को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला इंसान की जरूरत को पूरा कर देता है। बुखारी शरीफ के अंदर बदर का जो युद्ध हुआ था, गज़वाए बदर, उसमें शिरकत करने वाले, हिस्सा लेने वाले उन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का भी नाम है, जिनका नाम लेकर अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल से दुआ कबूल फरमाता है। हमारे बुजुर्गों का, अकाबिर का, असलाफ का, अल्लाह के औलिया का ये तरीका रहा है कि जब कभी कोई मशक्कत का, मुसीबत का सामना होता था, कोई परेशानी की घड़ी और टाइम आ जाता था, चाहे खाने पीने का अभाव हो, मेघ नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं,
बिजनेस नहीं हो रहा है और बहुत तरह तरह की परेशानी हो रही है, तो ऐसे मौके पर हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा कि बुखारी शरीफ खत्म करवा के बुखारी शरीफ की तिलावत करके और दुआ मांगी जाती थी, मांगी जाती है बुखारी शरीफ पढ़कर, और जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने पूरी बुखारी की तिलावत की है और इंशाअल्लाह अभी चंद मिनट के बाद वही उलमाए किराम इस दुआ में शिरकत भी करेंगे, हम सब आमीन भी बोलेंगे, दुआ भी करेंगे। अल्लाह ताला अपना फजल दया और माया का मामला फरमाए और अल्लाह हम सब की जिंदगी की सारी दुआ को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, एक बात तो ये याद रखिए, अगर कोई बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, दावत और तबलीग के उसूल के मुताबिक काम करते हैं, बहुत दान खैरात करते हैं, उनको भी अपने अमल के ऊपर गुरूर तकब्बुर और फख्र नहीं करना चाहिए। कोई शेख आदमी है, कोई अमीर साहब है, वो ये ना सोचे कि हम तो बहुत इबादत कर रहे हैं, अल्लाह तो हमको श्योर जन्नत में दे देगा। मेरे भाइयों, याद रखिए, हमारा और आपका किसी का भी कोई अमल, कोई भी नेकी का काम उसको जन्नत में ले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युदखिला अमलु अहदिकुम साहिबहु अलजन्ना, तुम में से किसी का अमल, किसी की नमाज, किसी का रोजा, किसी का हज, ज़कात, तिलावत, पढ़ना पढ़ाना उसको जन्नत में नहीं ले जाएगा। लन युदखिला, लन ये ताकीद के लिए, कलाम को अपनी बात को शक्तिशाली और मजबूत बनाने के लिए अरबी के ग्रामर में लन को यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हरगिज किसी का अमल उसको जन्नत में नहीं ले जाएगा। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा अमल तो मुख्तसर है, मामूली है, हम बहुत ज्यादा अमल नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा अमल हमको जन्नत में नहीं ले जाएगा, किंतु आपका अमल, आप तो अल्लाह के प्रियो नबी है, रात रात भर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं। हदीस में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, माँ आयशा को ये शक होता था कि सजदे की हालत में कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल तो नहीं हो गया, कहीं इसी हालत में अल्लाह ने अपने पास तो नहीं बुला लिया। तो माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके पैर पर अपना हाथ रखती थी, तो पैर हरकत करता था तो आप समझ लेती थी कि मेरे हस्बैंड अल्लाह के नबी जिंदा है। इतनी लंबी लंबी इबादत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला अना वला अना वला अना, तीन मर्तबा कहा कि मेरा अमल, मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा सदका, ज़कात, तहज्जुद, दावत और तबलीग, मेरा अमल मुझको जन्नत में नहीं ले जाएगा, मेरा अमल मुझको जन्नत में ले जाने की गारंटी नहीं दे सकता, तीन मर्तबा फरमाया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्ला अय्यतगम्मदनी इल्ला अय्यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमती, हाँ अल्लाह यदि मेरे साथ माया करे, अल्लाह यदि मेरे साथ रहम का मामला करे,
तब तो मैं जन्नत जा सकूंगा। और अल्लाह अगर माया नहीं करेगा, अल्लाह यदि रहम नहीं करेगा, तो मैं अपने अमल के बलबूते पर अमल कर लिया, नमाजें पढ़ ली, बहुत सारा दीन का काम कर लिया, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग थे, बड़े ऊंचे दर्जे के मुहद्दिस थे। एक एक टाइम में 40,000 स्टूडेंट और छात्रों ने उनसे हदीस पढ़ी है। उनसे एक एक टाइम में 40,000 स्टूडेंट ने हदीस पढ़ी। जब उनके मौत का टाइम आया, एक पलंग पर बिस्तर पर सोए हुए थे, लेटे हुए थे, अपने स्टूडेंट से, अपने मुरीद से कहा कि बाबा और शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अमर जीवन का शेष, अब मुझको पलंग से उतार कर और माटी के ऊपर सुला दो, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर सुला दो। तो स्टूडेंट ने, मुरीद ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, आपका आखिरी टाइम है और हम लोग आपको माटी पर रखेंगे? नहीं नहीं, आप चौकी पर, तख्त पर, पलंग पर रहिए, इसी हालत में अल्लाह के पास जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं नहीं, मुझको माटी के ऊपर रखो, पलंग पर मेरी मौत मत आने दो। स्टूडेंट ने अपने उस्ताद की बात को माना और माटी के ऊपर रखा। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने में निज़ोर ज़माना सब तक ही बड़ो मुहद्दिस, सब तक ही बड़ो बुजुर्ग। जब उनको माटी के ऊपर रखा, तो उन्होंने अपने इस गाल को माटी में इस तरह से रगड़ा, इस गाल को माटी में इस तरह से रगड़ा, और अपने दाढ़ी के बाल को पकड़ के कहा, ऐ अल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के बुढ़ापे पे रहम करना, ऐ अल्लाह मैं आपका कमजोर बंदा हूं, ऐ अल्लाह मेरे साथ रहम का मामला करना। मेरे नौजवान साथियों, आज दुआ में हमको और आपको अल्लाह से रहम मांगना है, अल्लाह से करम मांगना है। ऐ अल्लाह हमने क्या गलती ऐसी कर ली, हम बड़े पापी है, लेकिन ऐ अल्लाह हमने, ऐ अल्लाह हमी तो कोनो दिन शिर्किया काज को सीना, ऐ अल्लाह हमी तो कोनो दिन कोनो मूर्तिर सामने गया, मूर्तिर पूजा कर सीना, वो तो बड़ो आफत, करुणा, वबा पराय 3 बच्चर तक ही। ऐ अल्लाह हमरा तो दिन ब दिन कमजोर हुई सी, हम लोग दिन ब दिन हालत खराब होते जा रही है। ऐ अल्लाह हमरा की पाप करसी, ए देशे हमरा जन्म हुई, ए देशे हमरा माँ बाबा दादा हमरा बुजुर्गान दीन निजर रक्त निजर जान के कुर्बान करसे, किंतु ए निजे ए देशेर हुकूमत आज के हमरा के कोते से ए देशेर भीतरे तुम्हारा कोनो हक ना। अल्लाह से रहम मांगो, अल्लाह का माया मांगो, तब अल्लाह ताला अगर रहम, अल्लाह यदि रहम हो जाए, अल्लाह यदि रहम कर देगा, तो ये सारी आफत विपद मौला मुसीबत इंशाल्लाह सब दूर हो जाएगा। किंतु अमर भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दुआ संपर्के दुईटा कथा हमें कोई नहीं। नंबर एक, हज्जाज इब्ने यूसुफ उन्हीं मुसलमान बादशाह भित्रे यदि खोआ जाए सब तक ही बड़ो जालिम बादशाह, मुसलमान बादशाह भित्रे हज्जाज इब्ने यूसुफ तक ही बड़ो और जालिम बादशाह ना। उन्हीं एक दिन खाने काबा का वो तवाफ कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, उसी टाइम में उन्होंने देखा कि वहीं मताब में जहां तवाफ करते हैं, एक मताफिर भित्रे एक जो बूढ़ा अंधो मानुष वो दुआ मांग रहा है, दुआ मांग रहा है और रो रो कर दुआ मांग रहा है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने देखा कि एक जो अंधो मानुष बूढ़ा मानुष एक कांदिया कांदिया दुआ करते से, वो उस बूढ़ा आदमी के पास आया और आकर पूछा, ओ बूढ़ा तुम्हार की समस्या से, तुम्ही ओ तो कांदिया दुआ करते सो की कारण? तो उस बूढ़ा ने कहा के अमार अमी चुप तकी देखतम पारी ना, अमी बूढ़ा मानुष, अमी अल्लाह खस तकी मांगते सी, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं। मेरे भाइयों, हज्जाज इब्ने यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह था, अल्लाह के घर का खाने काबा का तवाफ कर रहा था, चक्कर लगा रहा था,
हज्जाज इब्ने यूसुफ के दिल में रहम नहीं आया। उसने उस बूढ़ा बेटा से कहा, ओ बूढ़ा, अमार तीन चक्कर होई गए से, चार चक्कर होई गए से, बाकी तीन टा वा चारटा चक्कर आर होई गेले अमार तवाफ शेष, अमार तवाफ शेष कोरा पर्यंत अल्लाह ताला तुम्हार चूखे रोशनी जो दी देना तो तलवार से तुमको दो टुकड़ा कर दूंगा। कहां कह रहा है? खाने काबा के सामने मताफ में, जहां बड़ा बड़ा जालिम और बड़ा बड़ा पापी आदमी जाकर भी नरम पड़ जाता है और उसके दिल में माया मोहब्बत आ जाता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने वहां एक जो बूढ़ा मानुष उसको ये धमकी दिया। ओई समय अमरा जदि अपन जानी के 5 मिनट पूरे आर अमी जिंदा तक होना, 5 मिनट के बाद हमारी मौत आ जाएगी, ओई रकम अमरा जदि खबर पाईली तो उस टाइम में अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे, अपना दिल को गुनाह से पाक करके, तौबा करके, और कितना दिल से रो रो कर खंदिया खंदिया हमरा दुआ पढ़ता। इसी प्रकार और इसी टाइप से उस बूढ़ा आदमी ने अल्लाह से दिल लगाकर, अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ कर और रो रो कर दुआ किया, बिल्कुल खंदिया खंदिया टाइम दुआ कर सुन। हज्जाज इब्ने यूसुफ अपना तवाफ शेष करके उस बूढ़ा आदमी के पास आया और आकर कहा, ओ बूढ़ा बेटा, तुम्हार चूखे रोशनी अल्लाह वापस फुर से किना। जब उसने प्रश्न किया तो वो बूढ़ा खड़ा हुआ और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और मेरे चुख में अल्लाह ने रोशनी वापस कर दिया। मेरे भाइयों, आज हमको और आपको दुआ करना है, अमरा दुआ करतम ओई रकम खान दिया और अल्लाह के साथ दिल का कनेक्शन करके दुआ करेंगे, तौबा करेंगे, ओ अल्लाह अमरा आर कोनो दिन गुनाह करमो ना, आर कोनो दिन पापेर काम करमो ना, और यदि बादे पापेर काम हुईया जाए, अगर बाद में भी पाप का काम हो जाता है, इंशाल्लाह फिर तौबा करेंगे, फिर तौबा करेंगे। दुईटा बड़ो बड़ो बुजुर्गाने दीने दुईटा एक बारे मुख्तसर होता, यहिया इब्ने सईद अल कत्तान रहमतुल्लाह अलैह, बड़ो मुहद्दिस, बड़ो मुहद्दिस, तैन एक जगह लिख सुन के अमी एक बार खाबेर भितरे अल्लाह दीदार करसी, सपनार भितरे अल्लाह के अमी देखसी, अमी अल्लाह रे कोइलम, ओ अल्लाह अमी कतो बार अपनार खासे दुआ करसी, बार बार मैं दुआ करता हूं, फला तुझी बोनी, ए अल्लाह आप मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल करते हैं, अमर दुआ का आपने कबूल करें न की कारण। अल्लाह की तरफ से आवाज आई यहिया इब्ने सईद अल कत्तान रहमतुल्लाह अलैह को, ओ यहिया, इन्नी उहिब्बु अन अस्मा सौतक, इन्नी उहिब्बु अन अस्मा सौतक, ओ यहिया, तुम जो दुआ करता है और रोता है, आंख से आंसू निकलता है, रो रो कर तुम मेरा नाम लेता है, तो तुम्हार आवाज का अमार बड़ो भलो लगे, मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूं, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। ये अल्लाह ने यहिया इब्ने सईद अल कत्तान रहमतुल्लाह अलैह से कहा। हजरत सुफयान इब्ने उयैना रहमतुल्लाह अलैह, बड़ो उच्च दर्जा बुजुर्ग, बड़ो उच्च दर्जा मुहद्दिस, बड़ो बड़ो मुहद्दिसीन किराम, उनी उस्ताद, उनी लिख सुन के, ए मुसलमानों, अल्लाह यदि तुम्हार दुआ कबूल करे ना, अल्लाह यदि तुम्हार दुआ कबूल करे ना, और तुम्हार इच्छा मते जे वस्तु तुम्ही अल्लाह तस्त की खुजाइसो, ए वस्तुटा यदि तुम्ही पाओ ना, तब तुम्ही कोनो दिन दुआ सारियो ना, फिर भी कभी दुआ नहीं छोड़ना। क्यों? इसलिए के कारण यह है कि अल्लाह ताला ने उस मखलूक की दुआ को भी कबूल किया जो मर्दूद है, जिनको अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। इबलीस, इबलीस ने जन्नत से निकलने के आगे एक दुआ किया। क्या दुआ किया? रब्बी अनज़िरनी इला यौमी युबअसून, रब्बी अनज़िरनी इला यौमी युबअसून, ओ अल्लाह हमारे सुजुग दुक्का, ओ अल्लाह हमारे चांस दुक्का। इबलीस से दुआ पर से, ए अल्लाह हमको
चांस दीजिए, मैं आपके प्रियो प्रियो बंदा को सही रास्ते से गुमराह करूंगा, पाप के काम में लगाऊंगा। अल्लाह से इबलीस ने दुआ मांगी और अल्लाह ने इबलीस की दुआ को भी कबूल किया। जो अल्लाह इबलीस के दुआ को कबूल कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह अमरा तो इबलीस ना किताब है, अमरा इबलीस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अमरा इंसान, अमरा मानव जाति, अमरा मानुष। तो हम लोग इंसान हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, मदद करते हैं, मस्जिद मदरसा में आना जाना, नमाज पढ़ना, दीन का काम भी करते हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, बार बार दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ कबूल करेगा, करेगा जरूर करेगा। किंतु अल्लाह दुआ कबूल करता है उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाम अपना रहा हुसैन। तो एक बार मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक आदमी खूब खांदिया खांदिया दुआ पढ़ते से खूब रो रो कर दुआ कर रहा है, और वो कह रहा है अल्लाह मैंने कितना मर्तबा आपसे मांगा, कितना दुआ किया, को तो बेसी कोई एक बार दुआ करसी, ए अल्लाह अपने हमार दुआटा कबूल करे न की कहा। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब उधर से गुजरा तो उनकी दुआ को सुनकर उनके दिल में नरमी आ गई, दिल नरम हो गया। तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह ये गरीब आदमी है, ये इतना दुआ कर रहा है, इतना रो रो कर मांग रहा है, ए अल्लाह आप इसकी दुआ सुन लीजिए, आप इसकी दुआ कबूल कर लीजिए और जो मांगता है दे दीजिए, आपके खजाने में क्या कमी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उत्तर दिया, जवाब दिया, ओ मूसा तुम ही जानो ना, तुम नहीं जानते हो ये बंदा ये दुआ कर रहा है, रो रहा है, खंदिया खंदिया दुआ पढ़ते से, किंतु इसका जो अंतर है, इसका भीतर और इसका जो दिल है वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि खेत में पथार में इसका बकरी छागल छोड़कर आया है, उसका दिल छागल में लगा हुआ है, जानिना छागल रोई से न वो भाग के चला गया, कोई पकड़ के उसको ले गया, उसका दिल अपना बकरी और खस्सी में लगा हुआ है और वो मुझसे दुआ मांग रहा है, मैं इसकी दुआ को कैसे कबूल करूंगा, कैसे कबूल करूंगा। तो बिल्कुल दिल से भीतर से दुआ करना है, अगर बढ़िया से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग करेंगे, अल्लाह कैसे कबूल करता है। इस्लामेर भीतरे एक ता मशहूर जुद्दो, जुद्दो ऐसे ना किंतु मशहूर गजवे तबूक, बिल्कुल लास्ट के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीमने लास्ट किया ये जुद्दो टा ऐसे। जब ये जुद्दो का टाइम आया, मुल्क शाम सीरिया जाना था, गर्मी का सीजन था, बहुत बेसी गर्मी, अरब में तो 48-50 डिग्री की गर्मी, आपके यहाँ तो 30-32 होता है तो परेशान हो जाता है आदमी, वहां 48-50 कभी 50 से भी क्रॉस कर जाता है, वो तो बेसी गर्मी। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जमा किया, जिनको जाना था युद्धों में जाने की तैयारी किया, चंदा भी दिया, सब कुछ हुआ, उसको मुझे बयान नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अंतिम समय किया, पूरा तैयारी एवं रवाना दीवार, रवाना दीवार आगे सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन उन्हें मौजूद, खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम, अशरे मुबशरा जे जे सहाबे किराम के ए दुनिया जन्नतेर खुशखबरी देवा उसे, वो लोग भी वहां पर मौजूद। अब जाना है जुद्दों के लिए, निकलना है, निकलने से आगे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइला, ओ अमार प्रियो सहाबा अमरा तो एफन जुद्दों रवाना दिमू, किंतु जावर आगे अमी साइसी के एक ता दुआ पढ़तम और अल्लाह के यहाँ एप्रूव कराना है, मंजूर कराना है, अल्लाह हमारा सफर को इस जुद्दों को कामयाब कर दे, अमी दुआ करमो तुमरा आमीन होइयो, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइसम। किंतु दुआ आरंभ करार आगे एकटा खुता अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बोलसन, अमार मुसलमान भाइयो खास करिया अमरा मुसलमानेर भीतरे ए बीमारीटा बहुत बेशी आसे, अमरा निजे चिंता करतम आर बीमारीटा दूर करार चेष्टा करतम। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइला, ओ अमार प्रियो सहाबा तुमरा जानो नी अमी दुआ करमो तुमरा आमीन होइबा, बड़ो नेक कामेर जन्ने दुआ करतेसी,
फरिश्ता भी आमीन कहेंगे। किंतु याद रखो, अगर दुआ करने वालों में कोई ऐसा आदमी है जार दिलेर भित्रे नफरत आसे, घिन्ना आसे, दो आदमी के साथ कदिया लगा, झगड़ा लगा, दुश्मनी हुई और दोनों ने अपना लड़ाई झगड़ा और कदिया को शेष नहीं किया, ऐसा आदमी यदि मजलिस में है और वो दुआ करेगा, हाथ उठाएगा, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। ओ अमार साहबा, आगे तुम्हारा निजोर भीतर के तुम्हार अंतर के तुम्हारा साफ करो, कीना भूख जाता नफरत दुश्मनी सबको शेष करो। मेरे भाइयों, सहाबे किराम थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट स्टूडेंट थे। मजलिस में दो जन सहाबी खड़े हुए, एक साइड में एक, एक साइड में एक, दोनों उठकर कुछ दूर में चले गए और दूर में जाने के बाद दोनों ने मुसाफा किया और कहा कि भाई अमी भूल कुर्सी, अमार भूल इसे, तुम्हार कोनो भूल ना, तुम्हार कोनो दोष ना। दूसरा आदमी कहता है, ना भाई अमार भूल इसे, अमार तरफ तक ही ज्यादती हुई से, तुम्हार कोनो भूल ना, माफ करो। एक ने दूसरे से कहा मुझको माफ करो, उसने कहा मुझको माफ करो। आदमी है, इंसान है, कभी इख्तलाफ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसको शेष करो, उसको खत्म करो। दोनों ने अपने अंतर को, अपने भीतर को कीना से, नफरत बोझ हसद घिन्ना से पाक किया और बाद में मजलिस में लौट कर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, 100% से भी ज्यादा अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। আমার ভাই ও বুজুর্গ ও দোস্ত, ওই রকম আমরা মজলিসের ভিতরে যদি কোনো মানুষ আসে, বলতে পারে কোনো বড় কথা নাই, तो अब भी तौबा करो, ऐ अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, हम अपने दिल को साफ करते हैं, जिसको भी हमने कष्ट दिया ऐ अल्लाह आप उसको तौफीक दीजिए माफ करने की, बाद में जाके हम माफी मांग लेगा। दिल साफ करके दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। लास्ट में एक बात, ये दो अजीज बच्चे, दो स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके काशिफुल उलूम ना मदरसा काशिफुल उलूम भोगोली, इस मदरसे से कुरान करीम का हिफ्ज कंप्लीट किया, हाफिज बना, कायम नहीं। हिफ्ज करने की क्या फजीलत है मैं नहीं बतला सकता, कायम नहीं है। इतना जरूर याद रखो कि जिसका लड़का बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, मदरसा में नहीं कह रहा हूं, जिसका सेले में मे भी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है और वो अपना लड़का को अगर मेडिकल पढ़ाना चाहता है, वो अपना लड़का को आईएएस या यूपीएस की डिग्री दिलाना चाहता है, बड़ा शिक्षित बनाना चाहता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसका हिफ्ज आरंभ करवा दो। डेली एक पिस्ता दो पिस्ता नहीं करेगा, डेली एक आयत दो आयत वो हिफ्ज करेगा। मदरसे का स्टूडेंट 3 बच्चों में हिफ्ज कंप्लीट करता है, आपका बच्चा एक ट्यूटर रख के 10 बच्चों में हिफ्ज कंप्लीट करेगा। मैं हजारों वाकयात में से चंद वाकया भी इस वक्त नहीं बता सकता कि बच्चा अगर उसका मेमोराइजेशन पावर, याददाश्त रखने की शक्ति यदि कम भी होगा, जब वो कुरान को याद करेगा, ये बिल्कुल गारंटी और तजर्बे की बात है कि जो बच्चा कुरान को याद करता है, मुखस्तो करता है, अल्लाह उसके मेमोराइजेशन पावर को, याद रखने की शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग भी अपने बच्चे को दीनदार बनाने की फिक्र करो, अल्लाह तौफीक देता है कुरान का हाफिज बनाने की फिक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मदरसे के समस्त असातिज़े किराम, खास करके दोनों हाफिज, दोनों बच्चे को हाफिज बनाने वाले जो टीचर है, इस मदरसे के कमेटी को और इलाके के तमाम लोगों को मैं अपने दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खिदमात को कबूल करे, इदारे को अल्लाह खूब बेशी बेशी तरक्की दान करे, मदरसे की सारी जरूरियात को अल्लाह ताला गैब से पूरा फरमाए, ये मेरी दुआ है। लेकिन अल्लाह तो जरूरत को गैब से पूरा करता है, श्योर करता है, मगर उसके लिए कोई ना कोई सबब होता है, कोई ना कोई सबब होता है। ये मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेटी इलाके में जो वाद होता है,
इसका आधा आदमी भी आम तौर पे नहीं होते हैं, यहाँ तो बहुत लोग हैं। रात में तो और इंशाल्लाह पूरा होगा जो भी होगा, लेकिन आप लोग अब भी का जो मजलिस है, अब भी का जो महफिल